नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट। दोस्तों मैं संतोष कुमार राजस्थान के बीकानेर जिले से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और बड़ी उम्मीद के साथ मैंने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप सभी साथीगण, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हो, आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी उम्मीद को पूरा करने के लिए आप दिल से मुझे सपोर्ट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बेहतर और बेस्ट वीडियो देखने के लिए मैं हर एक वीडियो बेहतर और बेस्ट लाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो दोस्तों पिछला जो हमारा वीडियो वायरल चल रहा है, जो एक पानी की व्यवस्था डेजर्ट एरिया में बसा हुआ गांव था, तो चलो चलते आज उसी गांव की टूर करते हैं। तो निकल पड़े हैं घर से, कदमों से कदम कदम करके निकले हैं, चलो चलते हैं। तो देखिएगा, पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा फुल। चलते हैं, यात्रा करते हैं शुरू। तो दोस्तों अब आप देख पा रहे हो सामने सुंदर सा ग्राउंड है और यहाँ पे खेलियाँ बनी हुई है। सामने पंचायत समिति आप देख रहे हो बीकानेर की, ये इधर वाली खेलियाँ खाली है पानी की और वो खेलियाँ भरी हुई है पानी की। और उस पानी में देखो, यहीं से जो पानी का उपयोग कर रहे थे पिछले वीडियो में आपने देखा है, देखो कुत्ते, यहीं पर कुत्ते बैठते हैं और यहीं पर इस गाँव के लोग हैं जो पानी को पीने योग्य काम में लेते थे, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया आप ज़रूर देख लेना। और ये गाँव की डिगियाँ हैं, गाँव में इतने बड़े गाँव में एकमात्र डिगी हैं जो आप देख रहे हो, खाली पड़ी हैं, ठीक है। और पानी पाइप से आ रहा है तो बराबर ही टैंकर से पानी यहाँ से ले जाया जा रहा है। यहाँ पे देखो पानी चल रहा है, यानी साथ साथ में घड़े से या बाल्टियों से टैंकर से पानी ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे जब नल चलता है तभी पानी ले जाए तो अच्छी बात है, वरना इन खेलियों में से पानी ले जाना पड़ता है पीने के लिए। जो पिछला वीडियो मैंने बताया है बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है और आपने देखा होगा क्या स्थिति थी। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने आज तक नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अब दोपहर का टाइम है, दिन का टाइम है तो टैंकर खड़ा है, लेकिन सुबह शाम पानी यहाँ से ले जाते हैं माता बहनें आकर, गाँव की महिलाएँ जो आती हैं, तो अब यहाँ पे नहीं मिले हैं वो, वरना वही हालात आपको देखने के लिए मिलती उसी वीडियो में जो हुई। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर जाके देख लेना आप। और अब तक वही हालात है, घर में किसी के घर में कोई नल नहीं लगा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आप देख रहे हो आज हम वापसी की है उसी गाँव में जो पिछला वीडियो हमारा वायरल चल रहा था, भीखनेरा का गाँव, पानी की ज़्यादा किल्लत थी, उसी गाँव में आज फिर से हम आ गए हैं। सुबह चला था, मैं पैदल चला था पानी की बोतल लेके, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप थी, पानी भी गर्म हो गया, लेकिन अब टाइम हो चुका है 11:04 हुई हैं और अब मैं कदम टू कदम चल के यहाँ पहुँचा हूँ, इसी गांव में वापसी की है। आज तक आपने देखा होगा किसी यूट्यूबर को गाड़ियाँ लेकर, बाइक लेकर घूमना, जहाँ पहुँचना, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँगा। चाहे मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं जाऊँगा। वापसी मैंने इसी गांव में की, आज इसी गांव की व्यवस्था को देखने के, यहां के लोगों से मैंने बातचीत की है। आपने पिछले वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कुछ भाई कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो थोड़ा पहले का है, तो आज भी मैं वापसी की है इसी गांव में। तो इसी गाँव में देखो पानी तो अब पाइप से आ रहा है, लेकिन जो मेन गाँव का ग्राउंड है उसी गाँव ग्राउंड में पानी पाइप से आ रहा है। इस यहाँ से मतलब महिलाओं को कितना गाँव बड़ा चौड़ा है, बहुत दूर दूर घर हैं, वहाँ तक सर पे मटके ऊंचा ऊंचा कर ले जाना पड़ता है। आज भी यही हालात है इस गांव में, किसी भी घर में आज तक नलकी या टूटी नहीं लगी है, किसी भी घर में मैंने पहली बार देखा है। मुझे नहीं लगता कि और गांव में ये हालात है,
मुझे लगता है अगर किसी और गांव में भी ये हालात है मुझे कमेंट में बताना कि हर गांव में टूटी लगी होती है, घर में पाइपलाइन में पानी पहुंच जाता है, तब 3 महीने की किल्लत आती है पानी की, तब तो चलो टैंकर से पानी लाना ही पड़ता है। बाकी हर घर में टूटी गांव में रहती है, लेकिन इस गांव में कोई टूटी नहीं लगी आज तक, ये रिकॉर्ड है और ये सब मैंने देखा जाना। अब चलते हैं वापसी घर की ओर रवाना होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली अब आप देख रहे हो कि मैं गांव से बाहर आ गया और यहाँ पास से इस घर से मैंने पानी पिया और बोतल में भी पानी ले लिया। एक गाड़ी गई थी लिफ्ट मांगी लेकिन लिफ्ट नहीं दी, अब देखते हैं कोई और गाड़ी आएगी, लिफ्ट मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है। यार ये लिफ्ट क्यों नहीं देते, इनका क्या लगता है यार, वास्तव में इस डेंजर एरिया में इस प्रकार कोई व्यक्ति फंस जाता है तो क्यों नहीं लिफ्ट देते, इनका क्या लगता है वास्तव में। भाई दे देना चाहिए किसी को यार, आप ही अगर देख रहे हो सुन रहे हो तो दे देना चाहिए लिफ्ट वास्तव में। तो दोस्तों फाइनली घर आ गया, एक पैसा मिल गए थे और अब दिशा देखो सेव खा रही है, दिशा सेव बंद दादी दे दे बंदा, दादी चकड़ो काट दे दे, दादी दे दे, दादी चकड़ो काट दे दे। चलो दोस्तों खाना वाना कर लेता हूँ पहले, बहुत ज्यादा भूख लग गई, टाइम हो गया 1 बज चुकी है, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली का सीन कुछ ऐसा है, मम्मी जा रही थी खेत, मैं भी आ गया हाथ में नमक लेके, नहीं तो खेत में जाके काकड़ियाँ खाएंगे। चलो दोस्तों चलते हैं, मैं मुझे कुछ मिला नहीं ना, मैं घर से हाथ में नमक लेके आ गया, बस खेत में जाते मेरा पक्का किया हुआ है काकड़ियाँ खाएंगे। तो दोस्तों अभी आगे ये पीछे आप देख रहे हो ये बड़ा बाजरी बीज हुई थी, इसमें तो वर्षा तो हुई नहीं, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, तो अब इसके अंदर गाय को अंदर ही छोड़ दिया था, तो बाजरी को खा गए, कुछ कुछ दिखती होगी आपको, बाकी बाजरी को खा गए। तो अब चलते हैं सीधा खेत, क्योंकि यार खेत में बैठ कर बैठने के बाद अच्छी तरह मतीरा या ककड़ियाँ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलते हैं, फाइनली बेल तो मिल गई लेकिन इस बेल के अंदर ककड़ियाँ देखते हैं भाई, इसके अंदर तो पोपट हो गया, कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों पोपट पे पोपट हो रहा है, नमक ले घूम रहा हूँ, काकड़ियाँ नहीं मिल रहे खेत में, एक काकड़िया पक्का करके गया था आज से 3 दिन पहले, वही कोई और लेके चला गया। चलो और घूमते हैं, देखते हैं कहीं तो मिलेगा, ये नमक काम में आ जाए और ना इसको खिंडाना पड़ेगा। चलो तो दोस्तों अभी आखिर में नमक चाटने को मिला, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या हुआ यार, चलो चलते हैं वापिस घर, जो किस्मत में लिखा था वही हुआ, हमारी किस्मत में वो काकड़िया नहीं लिखा था। तो दोस्तों आखिर में मुझे ये काकड़िया मिला, चलो नमक मैंने कट्टे पे रख दिया और अब इसको ही खा लेते हैं, जो मिला वही अच्छा है। चलो बहुत शौक था लेकिन नहीं मिला, खेत में हुए ही नहीं, क्या हुआ पता नहीं, मैंने यार बीज तो बहुत बोए थे लेकिन नहीं मिला। चलो इसको तो खा लेते हैं पहले छोल के अच्छी तरह से, छोल लेता हूँ दोस्तों पहले। कैसा भी हो लेकिन हमारी इस पवित्र धरा में बैठकर खाने का मजा कुछ अलग ही है।
पक्का हो चाहे कच्चा हो मजा आ जाता है। जितना इंटरेस्ट घर बैठ कर खाते हैं ना, खेत में बैठ कर खाते हैं ना, उतना घर बैठ कर खाने में नहीं आता। तो दोस्तों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि जो मिला उसे ही खा लिया कच्चा पक्का, क्योंकि आए गए नमक लेके। तो और अब मैं ये कट्टा कट्टे पे नमक डाल के अच्छी तरह से छोल के खाया। और अब ये कट्टा मैं माँ और मौसी आई हुई है इनको दे देता हूँ, ये फली और लोहिया लेके आएंगे और मैं चलता हूँ घर। ओके बाय, चलते हैं घर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बेहतर वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।